बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव की चलाई जा रही स्वास्थ्य सुविधा रोहतास जिले के सासाराम सदर अस्पताल में पोल खोल रही है। दरअसल सदर अस्पताल में मरीजों का इलाज पूरी तरह निशुल्क किया जाना है, परंतु बदलते वक्त के साथ बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर सदर अस्पताल में मिलने वाली सभी सुविधाओं के लिए चार्ज लिया जा रहा है। आलम यह है कि अस्पताल में दूर दराज से इलाज कराने के लिए मरीजों को अपनी जेब से मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। अस्पताल में इलाज कराने आए गर्भवती महिला, विकलांग और बुजुर्ग मरीजों से पहले पंजीयन शुल्क के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। यदि एक्सरे तक मरीज पहुंच जाए तो यहां पर भी उन्हें पैसा खर्च करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सदर अस्पताल में सिटी स्कैन सेंटर तो खोल दिए गए, लेकिन डॉक्टर की सुविधा नहीं है, जिससे सिटी स्कैन के नाम पर मरीजों से अधिक पैसे लिए जा रहे हैं। सदर अस्पताल है। किस लिए आया है? इलाज कराने आया है। कौन चीज का? अच्छा अच्छा, इलाज हो गया आपका? दिखाना है। पुर्जा कटवाए हैं? पैसा भी लगा आपको? नहीं, पैसा नहीं लगा। दूर से लगा है, पटाई में दूर से लगा है, काउंटर पे। आपको छूट नहीं मिला? कितना उम्र हुआ आपका? 65 है। जब इन सारे मामलों के बारे में रोहतास सिविल सर्जन केएन तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, अगर है तो उसकी जांच की कार्रवाई की जाएगी। जैसे वृद्ध और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग काउंटर बनाया गया है जो निःशुल्क है, और बाकी लोगों में 2 रुपया लगता है। सर आज देखा जा रहा है महिलाओं और पुरुषों के जो जांच लिया गया उनसे पूछा गया तो उन लोगों कहने का मतलब है कि 200 रुपया, 2 रुपया हम लोग से लिया जा रहा है। नहीं नहीं, ये गलत बात है, 2 रुपया नहीं लेना है। जो हम लोग पता लगाएंगे इस तरह के आदमी से कार्रवाई की जाए, गर्भवती महिलाओं से 1 पैसा नहीं। सर के चिपकाया हुआ है तो लोग कहें 2 रुपया दे रहे हैं भाई, तो ले रहा हम पता लगाएंगे इसका। सर और एक मामला है कि जो एक सरा है उसका भी सर फोटोकॉपी और काउंटर से ही कराया जा रहा है। फोटोकॉपी जिसे वो रिकॉर्ड के लिए वो रखता है तो वो बाहर से कराएगा तो उसको टाइम लगेगा, तो वहीं का उसको तो हम लोग निर्देशित किए हैं कि तुम अपना फोटोकॉपी मशीन रखेगा। वो बोला है कि हम अपना ला रहे हैं तो वही हो जाएगा, उसके लिए भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं। सर ऐसा मामला पहले भी उठाया गया था, पूछा गया था सर, उसके बाद भी नहीं सुधर पा रहा। दिए जो एक्सरे वाला है उसको कहा गया है कि वो अपना एक फोटो कॉपी में माने मशीन रख ले फोटो स्टेट करने वाला, और वो अपने स्वयं कर ले, मरीज को इसके लिए परेशान न। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में इतने मरीजों से लूट होने के बाद भी रोहतास सिविल सर्जन को इस मामले की जानकारी नहीं होना अपने आप में एक संदेह पैदा करने वाली बात है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।